चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की देशभक्ति फिल्म शेरे हिंदुस्तान होली के मौके पर पूरे भारत के साथ साथ नेपाल के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को रिलीज किया गया और फिल्म रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया। जी हां, जिस तरीके से पहला दिन सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखी गई, उसी तरीके से दूसरा और तीसरे दिन भी सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स भोजपुरी दर्शकों को देखा गया। करीब 90% से ज्यादा सिनेमाघरों में फिल्म को तीसरे दिन भी जबरदस्त रिस्पॉन्स देखा गया। ऐसे में सभी भोजपुरी दर्शक यह जानना चाहते होंगे कि फिल्म ने तीसरे दिन कलेक्शन क्या किया होगा। हालांकि आपको बता दें कि फिल्म के निर्माता या फिर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियली डेटा शेयर नहीं किया गया कि फिल्म ने तीसरे दिन तक अब तक कितना कलेक्शन किया होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की खबर माने तो फिल्म ने तीसरे दिन करीब 10 से 15 लाख रुपए का कलेक्शन किया है। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली कलेक्शन नहीं है और तीन दिन की कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने करीब 35 से 40 लाख रुपए का कारोबार कर चुका है। हालांकि आपको बता दें कि यह ऑफिशियली डेटा नहीं है। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ का देशभक्ति अंदाज भोजपुरी दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है, खास करके निरहुआ के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक सिनेमाघरों में जमकर सीटी बजाते हुए नजर आते हैं और निरहुआ के डायलॉग को दोहराते हुए सिनेमाघरों में नजर आते हैं। खास करके निरहुआ नेपाल के खूबसूरत वादियों में नेपाली अभिनेत्री के साथ जोरदार रोमांस के साथ साथ नेपाल के खूबसूरत लोकेशन पर फाइट सीन दर्शकों को काफी ज्यादा आनंदित करता है। ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक निरहुआ का धमाकेदार देशभक्ति फिल्म शेरे हिंदुस्तान नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी सिनेमाघरों में जाकर फिल्म को जरूर देखें और जिन लोगों ने फिल्म को देख लिया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको निरहुआ का शेरे हिंदुस्तान कैसा लगा।